हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। देखिए, नीट एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आया है, अब काउंसलिंग को लेकर जो बड़ी अपडेट, दो अपडेट मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहें, ये दोनों अपडेट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सबसे पहला अपडेट यह है कि बहुत सा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मेल भी प्राप्त हो रहा है, बच्चे का एक ही सवाल है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग ज्यादा तक MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा से 17 नवंबर से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो अपडेट, जो आप लोगों का सबसे ज्यादा क्वेरीज है, क्योंकि सीट चाहिए हमें, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो किस बार कट ऑफ का जो रेंज होगा यानी ड्रॉप अप मार्क्स जो होगा पिछले 2020 के हिसाब से वह कितना होने वाला है। तो ये अगर आप क्वेश्चन पेपर को दोनों का एनालिसिस किया जाए, काफी बार मैंने भी कट ऑफ के बारे में बताया और काफी लोगों ने बताया, तो मैं यहां पर ये बता दूं कि जो पिछले साल 2020 के रिस्पेक्ट में 2021 में ड्रॉप अप जो जनरल कैटेगरी का होगा वो 3 से 4 नंबर होगा। EWS और OBC का जो है वो आपका 5 से 6 नंबर का ड्रॉप अप होगा। इसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा। और SC के लिए आपका जो है वो आपका 8 से 9 नंबर है, और ST के लिए 10 से 11 नंबर का इस बार ड्रॉप अप होगा। इसके पीछे भी रीजन है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से कॉलेजेस जो है इन साल जो है कुछ कॉलेजेस भी रीओपन हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा है, तो इसलिए इस बार ड्रॉप अप होने के चांसेस ज्यादा है। सो गाइज, और तीसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर एक और अपडेट करते जाओ जो अभी पता चल रहा है, वो अपडेट यह है कि पांडिचेरी से जो है वो स्टेट जो है काउंसलिंग करना स्टार्ट करे। सो गाइज, आप लोग जल्द से जल्द पांडिचेरी के लिए आप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फॉर्म को भरे, लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। फिर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो आप चैनल सब्सक्राइब करके सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।